प्रतिष्ठित वार्षिक मैराथन प्रतियोगिता 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन प्रतियोगिता का खिताब भारतीय सेना ने अपने नाम कर लिया है। पहले स्थान पर सेना के जसवंत बघेल, दूसरे स्थान पर सेना के ही वी सिरानू और तीसरे स्थान पर प्रयागराज के अनिल कुमार रहे। वहीं महिला वर्ग में सीआईएसएफ भोपाल में तैनात सेना की रेणु सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैराथन की शुरुआत उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने रविवार सुबह आनंद भवन से हरी झंडी दिखाकर किया। इंदिरा मैराथन में 49 महिला सहित कुल 394 धावकों ने हिस्सा लिया। 42.195 किलोमीटर लंबी इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों के धावक शामिल रहे। प्रतियोगिता रविवार सुबह शुरू हुई, जिसमें जसवंत बघेल ने 8:42 बजे समाप्ति रेखा पार कर ली। मैराथन मार्ग स्वराज भवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रेड ईगल आर्मी स्टेडियम, एजी ऑफिस, हाई कोर्ट चौराहा, सुभाष चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा, केपी कॉलेज चौराहा से होते हुए नए पुल से होकर गुजरा। नए पुल से धावक रीवा रोड, दांदुपुर पेट्रोल टंकी से उन्हें पुनः वापस शहर की ओर आना था। चंद्रशेखर आजाद पार्क के प्रमुख द्वार से अंदर जाकर मैराथन मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त हुई। ये इंदिरा मैराथन आज जो एनुअल हर साल होती है, इसमें लगभग 1000 लोग तो करीब रजिस्टर्ड हैं और इसमें अच्छी संख्या में भी और लोग भी आ रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले बेहतर बता पाएंगे, बट अच्छी संख्या है। सर, नगर विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छता एक दो इस रेस को इस बार हम लोगों ने रन फॉर स्वच्छता, क्योंकि जब इतनी हमारे पास फुटफॉल और गैदरिंग है तो एक अवेयरनेस का एक अच्छा माध्यम है, जिसमें जन जागरूकता के माध्यम से इसको बताया जाए कि प्लास्टिक का उपयोग हम लोग ना करें और एक मोटिवेट करें कि लिटरिंग और जो सड़क पे कूड़ा कचरा फेंकना है, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसको हम ऐसे ना यूज़ करें, इस तरह से इसे हैबिट्स ना करें, तो ये एक इस बार हमने थीम इसका स्वच्छता रखा है। निश्चित रूप से ये देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे, इनका जन्म दिवस के अवसर पर इंदिरा मैराथन का कार्यक्रम आयोजित होता रहता है निरंतर सन 1985 से। आज उसी के क्रम में आयोजन है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो हमारे युवा खिलाड़ी आए हैं, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खिलाड़ी के लिए आवश्यक होता है ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच अवसर मिले, उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभाएँ निकल कर आती हैं।